ऐसा कलेक्शन मैंने किसी भी मार्केट में नहीं देखा। वाली सही लगती है, बहुत सारे से कलर तो देखो। ओए यार ऐसी चीज ब्रांड वगैरह में मिलती है। बाकी मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, ये वाले शूज देखो काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन है। Hi everyone, welcome back to the another vlog. My name is Harshkem and you guys are watching Harshkem vlog. देखो आज मैं जा रहा हूँ मोनेस्ट्री मार्केट, थंबनेल देख ही लिया वैसे, और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, 3 बजे तक वहाँ पे पहुंच जाएंगे। मेट्रो से जा रहा हूँ क्योंकि ना देखो बाइक से जाना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली की तरफ रहता हूँ और वो नॉर्थ मतलब कश्मीरी गेट ही पड़ जाता है, मतलब कश्मीरी गेट ही जाना सॉरी, तो नॉर्थ कैंपस की तरफ ही पड़ जाता है। तो कश्मीरी गेट जाने के लिए सबसे बेस्ट मेट्रो रहता है, तो मैं मेट्रो से ही जा रहा हूँ, फिर वहाँ से 3 मिनट का रास्ता है मोनेस्ट्री मार्केट का। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, आप मेरे को बोलते भाई करोल बाग भी जाओ, देखो करोल बाग मंडे को ही लगती है मार्केट, लेकिन मंडे को मेरे को पर्सनल थोड़ा सा काम पड़ जाता है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बट मैं वादा कर रहा हूँ कि जाऊंगा जरूर वहाँ पे टाइम निकाल के। लेकिन अभी मोनेस्ट्री मार्केट चलते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, फॉलो कर लेना, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्विकली फटाफट से कर दो। अभी मैं हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बाहर, और अगर आपको मोनेस्ट्री मार्केट जाना है ना तो भाई रिक्शे को अवॉइड करना, क्योंकि रिक्शे वाले भैया आपसे 50-60 रुपए ले लेंगे, और वॉकिंग डिस्टेंस है सिर्फ 2 मिनट, तो 2 मिनट पैदल के चल के तो जा ही सकते हैं हम जैसे लौंडे। वॉक करते करते मैं मोनेस्ट्री मार्केट पहुंच गया, बट आपको यहाँ पे रोड क्रॉस करना पड़ेगा और गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, तो थोड़ा संभल के रोड क्रॉस करना वरना कोई भी ठोक सकता है। तो यार ये है मोनेस्ट्री मार्केट, एंट्री करते देखो पूरी की पूरी यहाँ पे सामने गली है, काफ़ी फेमस है। बाकी सामने यहाँ पे आउटर वेयर है, वर्सिटी जैकेट है, जो कि सारा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट शॉप है, और फर्स्ट शॉप पे लिटरली काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैकेट वगैरह, ये वाली जैकेट जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, इसके प्राइस है 2300 रुपये। एंड यहाँ पे आउटर वेयर काफ़ी प्यारा लग रहा है ये वाला, एंड इसकी प्राइस बताऊँ कितने, 2500 रुपये। ओवरऑल इस आउटर वेयर का ना लुक्स भाई अमेजिंग लग रहा है, सही में इसकी क्या फिटिंग आ रही है और ये आपकी बॉडी पे क्या ही मस्त लगता है। इस पे सभी साइज अवेलेबल है, मेरे तो डबल एक्सएल यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आपको जो भी लेना है ट्रिपल एक्सएल एक्सएल वो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके। काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन है, एंड यहाँ पे वर्सिटी जैकेट वगैरह भी है, और ये जो मेरे पे पहले थी, मेरे पे 3 साल पहले थी है, और आज भी ट्रेंडिंग में चल रही है, बहुत अच्छी लगती है ये वाली जैकेट। एक चीज और बताऊँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लोथ्स वगैरह है, अब जैसे ये वाले देखो, इसमें क्या है ना हुडी अटैच हो रखी है, अलग से नहीं है, काफी अलग फील दे रही है, मटेरियल काफी अच्छा है। काफी अच्छी लग रही है, एंड सही में ऐसा कलेक्शन मैंने किसी भी मार्केट में देखा, वो तो दिल्ली में। इसके प्राइस भी सेम है 2500 रुपये, जो कि मैंने पहली वाली जैकेट दिखाई थी सेम वैसे। बाकी ये वाली भी काफ़ी सही लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फर्स्ट शॉप तो बेस्ट थी, अभी और पूरी लंबी मार्केट लगी हुई है। सेकंड शॉप शूज की है, शूज के देखो काफ़ी अच्छे अच्छे, पता यकीन नहीं मानोगे 1000 के। एंड ये अभी हंस रहा है क्योंकि इसने महंगे शूज ले लिए, सेम ऐसे शूज 1200 रुपये के, एंड लिटरली यहाँ पे 1000 रुपये के भाई शूज की प्राइस है, एंड काफ़ी फर्स्ट कॉपी शूज है, ये देख सकते हो कितने सारे शूज हैं। ये रही जॉर्डन की कॉपी, एंड काफ़ी रियल लग रहे हैं, और इसके प्राइस है 1350 रुपये। एडिडास के शूज देखे मैंने सेकेंड कॉपी, बट सेकेंड लग भी नहीं रही, फर्स्ट ही लग रही है, अब ये ट्राई करते हैं। शूज़ देखो क्या कंफर्टेबल है और कितने बढ़िया हैं, सोल तो इनके बहुत मोटे हैं, एंड कितने प्यारे लग रहे हैं, अलग ही लेवल के। तो यार मैं हूँ अभी शॉप नंबर 45 मोनेस्ट्री मार्केट में, एंड सही में मैंने कान पकड़ लिया, मैं कहीं और मार्केट नहीं जाऊँगा, अब मैं इधर ही आऊँगा अगर मेरे को शॉपिंग वगैरह करनी हो। बाकी यहाँ पे हमें स्वेटर दिखाता हूँ, ये वाला देखो क्या स्वेटर है इन लोगों के पास, ये वाला देखो वाइट कलर का कितना प्यारा लग रहा है यार, क्या मटेरियल है इस कपड़े का, और लिटरली क्या फिटिंग आएगी, मैं दिखाता हूँ क्या मस्त लग रहा है, कलर तो देखो। ये
ये है एक अलग टाइप का आउटर वेयर, इसकी पॉकेट ऊपर की साइड है और जो मैंने पहले ट्राई करी थी उसकी पॉकेट नीचे की साइड थी। बाकी ये वाले की भी फिटिंग कमाल की आ रही है, बाकी इस वाले आउटर वेयर की भी फिटिंग कमाल की आ रखी है। बाकी कलर तो देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बाकी फिटिंग, इसकी मटेरियल, इसका लुक्स भाई सब बेस्ट है। यार एक और नई टाइप की जैकेट है यहाँ पे, काफी प्यारी लग रही है, चैन वाली, दोनों तरफ दोनों साइड चैन मिलेगी पॉकेट में, बाकी काफी अच्छी लग रही है। इसके क्या प्राइस है वैसे? 2000 रुपए। दिखाना है ये वाला, दिखाना ये कलर, दिखाऊं मेरा यहाँ पे ये वाली। अभी मेरे को जैकेट पसंद आई जो कि मैंने अभी दिखाई थी पहन के, तीन कलर है और भी है यहाँ पे, ये रे मेरे को ब्लू कलर ये वाला बहुत अच्छा लगा। नई टाइप की जैकेट तो काफी अलग अलग टाइप की है यहाँ पे, ये वाली मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसी आ रही है। बाकी सबसे बड़ा साइज है ये, तीन कलर अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। बाकी ये कुछ अलग टाइप की जैकेट है, यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप की जैकेट है। मेरा तो पूरा सेम साइज, बढ़िया साइज आ रहा था, मेरे टाइप के सारे साइज अवेलेबल, एक्सएल सारे साइज है ना सर, एल एक्सएल सब, एल एक्सएल नहीं, डबल एक्सएल, डबल एक्सएल, एक्सएल डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ये वाली सही लग रही है, बहुत ज़्यादा सही लग। इसके प्राइस है वैसे 2000 रुपीज़, और 2000 में ऐसी जैकेट बहुत ही टाइप है। बाकी कलर तीन ही है लेकिन मुझे तो ज़्यादा ब्लू कलर अच्छा है। और यहाँ पे वूलन जैकेट भी है, मतलब शर्ट है बट जैकेट जैसी लग रही, फील पूरा ऐसी लग रहा है कि दो पॉकेट है। और बाकी इसके आप शर्ट के नीचे भी पहन सकते हो, स्वेटर के नीचे भी पहन सकते हो। बाकी वॉर्सिटी बॉम्बर जैकेट भी है, लेदर जैकेट तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी है, बहुत टाइप की यहाँ पे लेदर जैकेट है। ये रही पूरी लाइन लगी हुई है। बाकी एक शॉप मुझे और दिखी है भैया, शॉप नंबर, भैया आपकी शॉप नंबर है 57। और यहाँ पे ना मतलब पूरी मार्केट में कार्गो जीन्स वगैरह जो होती है ना पेन, मतलब ज़्यादा पॉपुलर, वो यहीं पे मुझे दिखी है पूरी मार्केट में एंड में आके। बिल्कुल भैया ने वैसे शॉप नंबर बता दिया। यहाँ पे सभी जीन्स सभी कलर में अवेलेबल है, देख सकते हो। बाकी सभी कार्गो ब्लैक जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी पॉपुलर है अभी भी, बहुत ही आउटफिट में चलती है ये वाली। और सभी जीन्स अवेलेबल है, सभी के प्राइस ऑलमोस्ट कितने तक पड़ेंगे वैसे प्राइस? कार्गो तो 900 भी है, 850 भी है, अच्छा अलग अलग प्राइस के हैं। बाकी सभी जीन्स है और जीन्स की प्राइस और क्वालिटी बहुत ही जेन्युइन है। यार देखो वेडिंग सीजन आ रहा है और ट्रेंडिंग आपको पता ही है, ब्लेजर वगैरह कोट वगैरह चलेंगे। एंड भैया की शॉप पे सारी चीज़ अवेलेबल है, ब्लेजर वगैरह कोट वगैरह जौन से कलर में लेने। वैसे मैं प्राइस बता दूँ भैया, प्राइस क्या रहेगा भाई? 1500 से स्टार्टिंग है, कहाँ तक और 3000 रुपये तक, 3000 लॉन्ग कोट लेते हो तो 3500। ब्लेजर वगैरह 2000 रुपये की रेंज में स्टार्टिंग, 2000 तो प्राइस वगैरह सुन लेना। बाकी ब्लेजर तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, सभी ब्लेजर है और वेडिंग सीजन है आपको पता है, अब तो यही चलने वाले हैं, तो आप देखो कोई सा भी कलर ले सकते हो, कलर की कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार लगा हुआ है। बाकी शॉप नंबर क्या होगा अगर आ रहा हो तो? 32 लास्ट में आ जाना, वैसे बता दो जैसे मॉनेस्ट्री मार्केट से एंट्री लोगे ना, बिल्कुल लास्ट में आ जाना। सभी ब्लेजर अवेलेबल है और मेरे को अभी तक की बेस्ट शॉप ब्लेजर की यही लगी। कोट वगैरह भी होंगे ना? सब है। ओके भैया ये निकाल के दिखाना, अभी मैं ये निकलवा के पहन के दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। बाकी मेरी वेडिंग नहीं है बट अगर वेडिंग होगी तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई बहुत सुंदर लग रहा है सही में। और ये ब्लैक वाला तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार, जो चीज़ ब्रांड वगैरह में अवेलेबल होती है ना वो यहाँ पे है। शादी का शादी तो नहीं है मेरी बट ठीक है, होगी तो पक्का भैया की शॉप से ही लूँ। तो भाई यहाँ यार ऐसी चीज़ ब्रांड वगैरह भी मिलती है। बाकी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो डिस्काउंट जरूर मिलेगा, अगर आप मेरे थ्रू आ रहे हो पक्का आना और बाकी भैया डिस्काउंट दे देंगे। एंड हाँ ब्लेजर के साथ साथ यहाँ पे कोटी वगैरह भी है, अलग ही कोट राइज वाले कपड़े में, देखो कोट राइज वाले कपड़े में यहाँ पे कोटी वगैरह और कार्गोज वगैरह भी मिल जाएगी इन्हीं शॉप पे जिन पे ब्लेजर वगैरह है। बाकी अगर मेरे थ्रू आ रहे हो तो डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा आप लोगों को। यार आप लोगों को मार्केट के साथ कहीं और भी घूमना है ना तो यहीं पे जब पीछे आओगे ना आपको यहाँ पे टेंपल भी देखेगा बुद्ध जी का। बाकी देखो यहाँ पे तिब्बतन लोगों का भी कल्चर दिखाया जाए, जैसे मजनू का टीला था ना सेम वैसी वाई वारी, यहाँ पे गार्डन वगैरह भी है एंड काफी एकदम पीसफुल जगह, मतलब शांति इतनी है ना, लिटरली काफी शांति है। मार्केट तो देखो जेन्युइन है, अभी मैं थोड़ा मार्केट से बाहर आके ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि इतना शोर हो रहा है ना। मार्केट तो एकदम जेन्युइन है सही में, इतनी बढ़िया लग रही है ना क्या बताऊँ आप लोगों को।